आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से व्हाट्सएप के स्टेटस को आप अपने मेमोरी कार्ड में उसको सेव कर सकते हो। यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर इतने मैसेज हैं, तो मैंने इनमें से कौन कौन से मैसेज डिलीट कर लिए। मैंने कंकिस्टर सेंटर के नाम से उसमें कॉन्टेक्ट है, मैंने उसको मैंने यहाँ से रीड कर लिया। तो अब मैं इस मैसेज चाहूँ तो मैं इस स्टेटस को डाउनलोड कर सकता हूँ। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको बिडमेट डाउनलोड करना होगा। एक प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, तो आपको इसको गूगल पर जाके इन कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से यहाँ पर दो तीन यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके कर दिया तो ए डाउनलोड होने लगा है। यहाँ देख लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ वीडियो में। ए देख लिए और कार्ड में आ चुका है, तो यहाँ से इसको प्ले कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को चाहे तो वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, या फिर और कोई सी भी वेबसाइट है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिडमेट बहुत अच्छा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टूर से। आप यहां से स्टेटस डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो स्टेटस डाउनलोड करने की अच्छी विधि, तो आप इसको टूर पर सर्च तो ना करें, आप इसको गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर आप मिल जाएगा। आप आसानी से स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं।